गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्रांसलेशन के अंतिम पार्ट को पढ़ेंगे। जो फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस में फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जब हम वाक्य को देखेंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय समय दिया रहता है। सेंटेंस को आप अगर ठीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द होगा, साथ में समय दिया रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं हम आपको। राधा 2 घंटे से पढ़ रही होगी। राधा 2 घंटे से पढ़ रही होगी, यह सेंटेंस वाक्य के अंत में रही होगी है और समय दिया हुआ है, इस तरह से वाक्य दिया होगा। अगर हम सिंपल सेंटेंस का अनुवाद बनाते हैं तो उसका नियम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं। साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और फिर लिखते हैं अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द, फिर लिखते हैं सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी अदर्स के साथ विल हैव बीन लगता है। टाइम को अगर हम देखें, टाइम को तो टाइम 2 होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। जितने ड्यूरेशन होंगे उनके साथ फॉर लगाएंगे। 10 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, इनके साथ फॉर लगेगा। और जितना पॉइंट ऑफ टाइम होगा एक बड़े पार्ट में से थोड़ा सा छोटा, जैसे 2 बजे, मंगलवार, बुधवार, 15 अगस्त, 1990, 2004, इस तरह के जो समय दिए होंगे इनके साथ सिंस लगेगा। तो राधा 2 घंटे से पढ़ रही होगी, वेरी सिंपल, राधा विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। राधा के साथ विल हैव बीन लगा और वो आपका एनजी लगा, 2 घंटे के पहले फॉर लगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो हम नॉट इंसर्ट करेंगे हैव और बीन के बीच में, होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस नॉट प्लस
been plus verb ing form, object, other words, since, oblique, for plus time. Subject will have or shall have, not, been, ing form of verb, object, other words, since, for plus time. जैसे एक example देखते हैं, राम दो दिन से विद्यालय नहीं जा रहा होगा. सेंटेंस बहुत सिंपल है, राम दो दिन से विद्यालय नहीं जा रहा होगा. इसमें सबसे पहले लिखेंगे राम, राम विल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज, दो दिन से. आई होप नेगेटिव क्लियर हुआ. कि सब्जेक्ट लिखा, फिर विल हैव और शैल हैव लिखा, नॉट प्लस बीन लगाया, ing form verb लिखा, object other words, since for plus time. आइए हम बात करते हैं interrogative and negative का. Interrogative and negative sentence. ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो. कभी कभी केवल प्रश्नवाचक हो सकता है. अगर ये क्या से शुरू है तो हम विल या शैल से सेंटेंस को शुरू करेंगे. फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बी. गौर से सुनिए, सबसे पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर लगाएंगे, टाइम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. इसका हम कुछ एग्जांपल इस तरह देखते हैं. जैसे पहला, क्या तुम सुबह से गा रहे होगे? क्या तुम सुबह से गा रहे होगे? इसमें नॉट नहीं है, नॉट इंसर्ट नहीं करेंगे. बनेगा विल यू हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क. एक और देख लेते हैं लास्ट, क्या राजा दो दिन से बाजार नहीं जा रहा होगा? प्रश्नवाचक है, साथ में नहीं शब्द भी है. इसका हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा विल राजा हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर टू डेज क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन पूरा हुआ. आइए हम एक बार रिपीट करते हैं.
वाक्य के अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दिया होगा तथा समय दिया होगा। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और विल हैव बीन और शैल हैव बीन लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं, फिर सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम लिखते हैं। टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल में राधा 2 घंटे से पढ़ रही होगी, राधा विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव और शैल हैव के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे राम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, राम विल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आइए इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव में शुरुआत विल और शैल से होगा, हैव और बी के बीच में नॉट इंसर्ट करेंगे, जैसे क्या राजा 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा होगा, विल राजा हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। थैंक यू।